एवरी वन सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैटरीज की बैटरीज क्या होती है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है कि प्राइमरी बैटरीज क्या होती है सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है और उस पर हम बेसिकली इस लेक्चर में मेनली आप प्राइमरी बैटरीज के बारे में पढ़ोगे यहाँ पे और उसके अंदर आप ड्राई सेल एंड मर्करी सेल के बारे में डिस्कस करोगे ठीक है तो देखो फर्स्टली व्हाट इज़ बैटरीज जो आप बैटरीज क्या होती है जो आप डेली लाइफ में अपने वॉचेस में यूज़ कर सकते करते हो या फिर आप अपने क्या है इन्वर्टर्स में देखते हो उसकी बैटरी दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ बैटरीज ओके तो बैटरीज क्या होती हैं एनी बैटरी मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है बैटरी में क्या होता है या तो एक सेल होगा या फिर एक सेल से ज़्यादा भी हो सकता है अगर एक सेल से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है किसी बैटरी में तो हमेशा याद रखना वो किस में हो गए वो सीरीज में आपस में कनेक्टेड होते हैं ठीक है थीके? या तो बैटरी में एक ही सेल होगा या फिर मोर देन वन सेल अगर हुआ तो वो दो सेल या वो तीन सेल जितने भी सेल प्रेजेंट हो गए वो किस में हो गए वो आपस में सीरीज में सीरीज में कनेक्टेड हो गए ठीक है क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है सीरीज़ में करंट सेम रहता है एंड सेल used here इज बेसिकली अ galvanic सेल वेरी वेरी important information. आपको यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई कि जो आपके बैटरीज होती है उसमें सेल कौन से होते देखो सेल तो दो तरह के हैं एक है electrolytic सेल एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही क्या कहा जाता है galvanic सेल ठीक है तो आप सोचोगे सेल तो है पर कौन सा सेल है आपका है गेलवैनिक सेल जो कि आपके लेक्चर में सबसे पहले मैंने करवाया था ओके तो ये एक चीज़ यहाँ से ये पॉइंट आपको मिल गया दूसरा पॉइंट कौन सा मिल गया अगर सेल बहुत सारे है प्रेजेंट उस बैटरी में तो उन सेल को किस में लगाया गया है उन सेल को लगाया गया है सीरीज़ में तो ये दो बातें यहाँ से आपकी क्लियर होगी ओके तो आपको पता होगा जो गैल्वेनिक सेल होता है वो कौन सा होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वो क्या करता है केमिकल एनर्जी ठीक है कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसमें से केमिकल कुछ एनर्जी निकलेगी उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि केमिकल एनर्जी जैसे यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ठीक है इलेक्ट्रो केमिकल सेल का ही मतलब ये होता है केमिकल सेल है इसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा कुछ हमारे कंटेनर में रिएक्शन होगी मतलब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी इनटू द सॉरी यहाँ पर ये है केमिकल एनर्जी ठीक है केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको इस तरह से करना है ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा सम सॉर्ट ऑफ कुछ आपका जो आपका बिकर है आपका सेल का इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगा सम सॉर्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी वो भी कौन सी होगी स्पॉन्टेनियस ये वैसे मैं करवा चुकी हूँ ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है जो अपने आप हो जाए बाहर से उसको कोई ना इलेक्ट्रिसिटी uh, की देने की जरूरत है ना कुछ एनर्जी देने की जरूरत है कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जो कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी जो कि मतलब अपने आप हो जाएगी तो अपने आप होने की वजह से जब वो रिएक्शन होगी और स्पॉन्टेनियस होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगी वो जो वो एनर्जी होगी वो होगी दैट इज़ नोन एज द केमिकल एनर्जी तभी केमिकल बोला गया है कि केमिकल से निकली हुई एनर्जी मतलब जो केमिकल की रिडॉक्स रिएक्शन है उनसे निकली हुई एनर्जी दैट इज द केमिकल एनर्जी उसका कन्वर्जन हो जाएगा तो वो किस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तभी आपको वोल्ट मीटर में यहां पर डिफ्लेक्शन शो होती है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट आ गया तो यही फिनोमिना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है वो अप्लाई होता है इन द बैटरीज क्योंकि बैटरीज से आपको क्या चाहिए देखो बैटरीज का मेन काम क्या है आपका वॉचेस में आ, किसी भी चीज़ में सो so दैट वो आपको क्या प्रोवाइड करे आपको स्टेडी करंट प्रोवाइड करे ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए बेसिकली तो क्या होगा बैटरीज में जो सेल है सेल में कुछ केमिकल्स हो गए जिसके अंदर कुछ कुछ केमिकल आपकी रिएक्शंस हो रही होगी बेसिकली बैटरीज में यही होता है कि बैटरीज के अंदर जो सेल्स है उसमें कुछ स्पॉन्टेनियस मतलब खुद खुद ही जो रिएक्शन हो रही है वो चल रही है रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है जो आपने नहीं करवाई खुद ही चल रही है एक बार उसको डाल दी कंटेनर कंटेनर में तो, तो आपकी रिएक्शन चल रही है तो वो रिएक्शन जब चल रही है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है तो वो इलेक्ट्रिकल सॉरी केमिकल एनर्जी निकल रही है तो वो केमिकल एनर्जी जो होगी वो किसकी फॉर्म में निकल रही है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बैटरीज पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए जो कि आगे उसके एप्लीकेशन में काम आती है जैसे वॉचेस में आपने बैटरी लगाई तो वो जो काम कर रही है एनर्जी वो कौन सी एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो हमें हमारी जो वॉच है उसको चला रही है ठीक है तो हमेशा ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि बैटरीज़ में कौन सा सेल लगता है गैल्वेनिक सेल अगर बहुत सारे सेल हो तो सीरीज़ में उनको लगाया जाता है और सेल के अंदर क्या चीज़ हो, हो रही होती है इन सेल के अंदर कि केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो बैटरीज में क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है इन टू द इट कन्वर्ट्स द सॉरी केमिकल एनर्जी इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो हमें यूजफुल काम हो सके इससे नाउ वट काइंड ऑफ बैटरीज आर देर आर टू काइंड ऑफ बैटरीज टू टाइप्स ऑफ बैटरीज फर्स्ट होती है प्राइमरी बैटरीज सेकेंड होती है आपकी दूसरी क्या होती है सेकेंडरी बैटरीज ठीक है तो देखो प्राइमरी बैटरीज क्या होती है प्राइमरी बैटरीज आपकी बहुत बेसिक होती है सबसे पहले जो प्राइमरी बैटरीज होती है उसको चार्ज नहीं करा जा सकता दे आर नॉट चार्जेबल ठीक है दे कैन नॉट बी यूज अगेन मतलब एक बार अगर उसको आ, काम में ले आए तो दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते जैसे आपके सेल होते हैं ठीक है सेल को क्या होगा एक बार आप यूज़ करोगे उसके बाद थ्रो कर दोगे तो वो आती है वो कैटेगरी होती है प्राइमरी बैटरीज में और इसके जो एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं वो है आपका ड्राई सेल और लेकल सेल ठीक है ड्राई सेल को लेकल सेल भी कहा जाता है ठीक है और दूसरा क्या है दोनों एक ही चीज़ है दूसरा है मर्करी सेल ठीक है सकेंडरी बैटरीज में क्या आता है सकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती है जिनको कि अगेन चार्ज करा जाता है ठीक है एक बार अगर वो खत्म होगी बैटरी तो दोबारा री हो सकती है दोबारा उसको चार्ज करा जा सकता है जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसमें इन्वर्टर्स इन्वर्टर्स में भी क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस इसमें पॉसिबल हो जाती है बट प्राइमरी बैटरीज में क्या होता है जो सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उनको रिवर्स नहीं करा जा सकता एक बार वो हो गई और ख़त्म होगी तो दैट्स इट और उसका बैटरी का लाइफ आपका ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो इसमें आती है आपकी जो आपको पढ़नी है लेट स्टोरेज सेल और दूसरा आता है आपका फ्यूल सेल तो इस लेक्चर में फ़िलहाल हम पूरा का पूरा अभी आपका प्राइमरी बैटरीज कवर करेंगे इसमें दोनों सेल को आपको कवर किया जाएगा तो फर्स्ट इज द ड्राई सेल लकलान सेल भी कहा जाता है जिसे तो इसके स्पेसिफिकेशंस और मेन क्या होती है इसमें मेन होती है इसमें कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन की एनोड एंड कैथोड पे कौन कौन सी इक्वेशंस इसकी है ठीक है जो कि आपको लिखने को आती है तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है कि ड्राई सेल या फिर लेकलांड सेल भी कहा जाता है इसे तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी बैटरी आपको पता होना चाहिए ये किसके अंडर आती है इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी बैटरी एंड कैन बी यूज ओनली वंस ठीक है नॉट रिचार्जेबल रिचार्जेबल भी नहीं होती है ओनली वन टाइम यूज़ होता है इनका यूज एंड थ्रो वाली बैटरीज होती है ये ठीक है एंड इट हैज अ सेल पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट ये भी इसका देखो सेल पोटेंशियल क्या होगा इसमें इसमें फिक्स रहेगा सेल पोटेंशियल ठीक है क्योंकि क्या है अब आपने एक बैटरी बना दी ठीक है बिल्कुल सील कर दिया प्राइमरी बैटरीज बना दी उसमें क्या होगा अंदर जितनी रिएक्शन है उतनी ही हो रही है ठीक है ना कोई आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर से दे के हम उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं इसीलिए जो सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो इसका फिक्स्ड होता है और ये याद कर लो वो कितना रहेगा वन पॉइंट फाइव वोल्ट क्योंकि क्या होता है सेल पोटेंशियल को आप वेरी भी कर सकते हो आपको पता है जो सेल पोटेंशियल मतलब ई एम एफ ऑफ द जो सेल होगा वो किस पे डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है ठीक है बट यहाँ पर क्या है यहाँ पे सब फिक्सड है तो इसका जो पोटेंशियल है सेल पोटेंशियल फॉर द ड्राई सेल वो याद रख लो दैट इज द वन पॉइंट फाइव वोल्ट और इसका यूज कहाँ होता है दिज आर यूज इन द ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स में जो यूज होता है वो ये वाला सेल यूज होता है आपका ठीक है दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अब अब आती है इसकी वर्किंग में होता कैसे है ये दिस सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर दैट एक्ट एज ए अनोड देखो अनोड पर क्या होगा जिंक से बना हुआ कंटेनर ही अनोड एक्ट करेगा मतलब जो कंटेनर होगा जिसके अंदर सेल जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि आपका सेल है जो कंटेनर होगा वह जिंक से बना होगा और वह जिंक कंटेनर ही अनोड एक्ट करेगा पहली बात और दूसरी बात कैथोड क्या, क्या एक्ट करेगा कैथोड एक्ट करेगा एक ग्रेफाइड रॉड ग्रेफाइड क्या होता है कार्बन रॉड ही होती है ठीक है ग्रेफाइट रॉड जो होगी वो कैथोड एक्ट करेगी बट एक और स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है कि जो ये ग्रेफाइट रॉड होगी उससे सराउंडेड क्या होगा उसमें सराउंडेड होगा पाउडर मैंगनीज डाईऑक्साइड ठीक है एम MnO2 एम एन ओ टू डाला गया है इसमें साथ में कार्बन पाउडर फॉर्म में भी डाला गया है ये दोनों चीज़ें पाउडर फॉर्म में डाली गई है और उसके बाद क्या डाला गया है पेस्ट ऑफ़ एन एच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट भी इसमें डाला गया है तो आपको ये चार चीजें याद रखनी है ठीक है अब इसके डायग्राम की ओर चलते हैं ये है डायग्राम ऑफ द ड्राई सेल या फिर लकलान सेल इसमें क्या हो रहा है जैसे कि पहले बताया गया है जो इसका कंटेनर है दैट इज़ ऑफ द जिंक और जो जिंक कंटेनर होगा वही आपका एनोड एक्ट करेगा ठीक है दिस इज द जिंक कंटेनर तो ये एनोड एक्ट करेगा एंड कैथोड एक्ट क्या करेगा कैथोड एक्ट करेगा ये ग्रेफाइट रॉड जो ये ब्लू से दिखाई गई है दिस इज द ग्रेफाइट रॉड ठीक है वो करेगी एक्ट कैथोड आपका जो कि ग्रेफाइट रॉड है फिर क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ आपका कार्बन डाला गया है पाउडर कार्बन डाला गया है एंड एम एन ओ टू डाला गया है और साथ में पेस्ट किसका डाला गया है एन एच फोर सी एल एंड जिंक क्लोराइड का आपको इसका मतलब ये चार चीज़ें याद करनी है कि इन एडिशन टू द ग्रेफाइट रॉड इसके साथ क्या डाली गई है चीज़ें पाउडर जो कार्बन है ठीक है बेशक ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये कार्बन की ही है ठीक है बट इसमें कार्बन पाउडर फॉर्म में भी डाला गया होगा मैंगनीज डाइऑक्साइड भी डाला गया होगा और अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट भी डाला गया है इसमें ओके पर यहाँ पे देखने वाली ये बात है देखो यहाँ से क्या होता है जैसे एक सेल होता है एक तरह का सेल ही है सेल की क्या होती है नोब्स होती है ऊपर और नीचे जहाँ से कि ये चार्ज देते हैं एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं अब देखो कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा सिंस ये सेल कौन सा है ये सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको याद होगा अलोन जो करवाया था मैंने ठीक है अलोन जो निमोनिक था उसमें क्या मतलब होता था एनोड पे नेगेटिव है तो एनोड पे नेगेटिव है क्योंकि ये क्या है इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा सो so, कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड एक और बात ध्यान रखने वाली बात है जो ग्रेफाइट रॉड होगी वो इसको जो आप इसका कंटेनर है जो जिंक कंटेनर है उसको टच नहीं करेगी ठीक है इसको टच नहीं करेगी और तभी इसमें क्या है सोल्यूशन फिल करा गया है जो आगे हम आगे हमें देखने को मिलेगा क्या क्या काम है उसका ठीक है तो यहाँ से देखो यहाँ से तो ये कवर हो जाती है शीट से यहाँ से आपका यहाँ से खुली रहती है मतलब जो आपका जिंक वाला सरफेस होगा वो यहाँ से खुला रहेगा ठीक है यहाँ से तो साइड से तो आपको वो लेबल वगैरह लगे होते हैं सेल में नीचे और ऊपर का अनकवर होते हैं वो ठीक है तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी जो कि क्या है अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई केमिकल एनर्जी अंदर जो हो रही है प्रोड्यूस वो किस में चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से अगर कोई आप बल्ब जोड़ दो यहाँ से या फिर कोई भी अगर रिमोट वगैरह में यूज़ कर दो तो आप इलेक्ट्रिसिटी ये देना शुरू कर देगी ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई सेल एंड लकलान्स सेल तो अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि पेपर में देखने को मिलती है एट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन क्या होगी? देखो एनोड पे होता है नेगेटिव क्योंकि ये है आपका क्या कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो कैथोड पे होगा पॉजिटिव एनोड पे हमेशा और हमेशा चाहे सेल जो भी हो एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होती है रिडक्शन ठीक है तो आपने बता दिया एनोड क्या है एनोड जिंक है तो जिंक की करवा दो ऑक्सीडेशन जिंक क्या होगा ज़ीरो स्टेट से जेड प्लस टू स्टेट में चला जाएगा और टू इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन बाय दिस टाइम जिंक कंटेनर बिकम थिन अब क्या हो जाएगा जैसे आपको पता है जिंक पूरा कंटेनर है और एनोड पे ही क्या है एनोड पे क्या हो रहा है जिंक की ऑक्सीडेशन मतलब जिंक किस में डिटीर, डिटीरिट हो रहा है इनटू द दैड एंड टू पॉजिटिव आइन्स में इसका मतलब बाय द टाइम जो जिंक कंटेनर है वो आपका क्या हो जाएगा वो थिन हो जाएगा ठीक है वैसे ही इलेक्ट्रोड पे क्या होती है इलेक्ट्रोड पे होती है रिडक्शन तो रिडक्शन पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल अब देखो रिडक्शन में क्या होगा होगा आपका ग्रेफाइट रॉड पे पर ग्रेफाइट रॉड आपको पता है क्या होती है इनएक्टिव होती है ठीक है तो मतलब ये सरफेस प्रोवाइड करती है सरफेस प्रोवाइड करती है पर ये ग्रेफाइट जो होता है अपने आप खुद ब खुद क्या होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो इसलिए क्या होता है जो आपने कार्बन पाउडर के साथ एम एन ओ टू डाला था तो यहाँ पे एन एम एन ओ टू ही आपका क्या हो जाएगा उसकी आपकी रिडक्शन होगी याद रखना है इसको चाहे तो आप लर्न कर लो इक्वेशंस को ये वाली कैथोड एनोड की ये इम्पोर्टेंट है बहुत एम एन ओ टू सबसे पहले क्या जाएगा एम एन में जाएगा देखो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एम एन की कैसे निकालोगे यहाँ पर एम एन ओ टू है एम एन ओ टू है ठीक है एम एन ओ टू की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे वो कैसे निकालते हो लेट इसकी एक्स कर लो ठीक है प्लस अब यहाँ पे कितने हैं टू ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की कितनी होते? Oxygen state, minus two होती है ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होती है इज़ इक्वल टू जीरो क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है जीरो है प्रेजेंट तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस फोर प्लस फोर इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एम एन ओवर है Plus four. Plus four तो यहाँ पर यह आ गई है चीज़ ठीक है यहाँ से आपने क्या बताया यहाँ से एम एन ओ टू से आपका जाता है एम एन ओ ऑक्सीजन अलग से जुड़ा है तभी इसको इस तरह से लिखा है एंड ओ एच ठीक है ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका बनता है ये याद रख लो अब क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको देखनी है तो क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो क्या होगा सपोज़ एम एन की क्या है यहाँ पे जैसे एम एन इस तरह भी इससे भी लिख सकते हो आप इस कॉम्प्लेक्स uh, को इसमें एम एन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो लेटर से ये एक्स है तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है माइनस वन होती है आपकी एंड जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कितना होता है माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस थ्री आ गई तो प्लस थ्री इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम एन यहाँ पर प्लस फोर से गया एम एन जो मैनगनीज था वो प्लस थ्री में चला गया प्लस फोर से प्लस थ्री में डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये क्या हुआ रिडक्शन रिडक्शन में हमेशा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो बोला गया है अगर कभी भी पूछा जाए कि ड्राई सेल में किसकी रिडक्शन होती है ड्राई सेल में मैंगनीज की रिडक्शन होती है फ्रॉम एम एन पॉजिटिव फोर टू द एम एन थ्री पॉजिटिव ठीक है और ये कॉम्प्लेक्स आप याद रख लो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन है ठीक है और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ से आएगा हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो बैलेंस करना था यहाँ पर भी तो कुछ चीज़ें लिखनी थी हमें हमने देखा एम एन गया और कॉम्प्लेक्स ये बना गया पर हाइड्रोजन तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास था नहीं फिर हमने देखा हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल सकता है ये तो जेडेंसियल है ये है एम का यूज़ हो गया पाउडर कार्बन भी आपको आ, इसको सपोर्ट करने के लिए रखी गई है तो हाइड्रोजन आपको अमोनिया से मिल सकता है ठीक है तो अमोनिया भी कौन सी फॉर्म में है अमोनियम के फॉर्म में है मतलब एन एच फोर सी एल को अगर तोड़ा जाए आयंस क्या मिलता है अमोनियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन मिलता है तो वही काम आया तो वही काम यहाँ पे अमोनियम पॉजिटिव आ गया क्यों देखो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है क्योंकि जब एम एन ओ टू गया रिड्यूस होके इस कॉम्प्लेक्स में इसमें हाइड्रोजन था अब यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस ये पहले नहीं था ठीक है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी तो बैलेंस करना था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अमोनियम हमने लिख लिया क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ने दिया अमोनियम ठीक है अमोनियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज तो अमोनियम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे अमोनिया गैस निकाल दी अमोनिया गैस इज लिबरेटेड और अगर देखो इलेक्ट्रॉन्स का कितने आएंगे तो यहां पे प्लस फोर से प्लस थ्री में गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करा अगर वैसे भी आपको नहीं समझ आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत कंफ्यूज हो रहे इलेक्ट्रॉन में तो हमेशा ये देखा करो राइट हैंड साइड का जो चार्ज होता है वो लेफ्ट हैंड साइड के चार्ज के इक्वल होना चाहिए तो राइट हैंड साइड अगर देखोगे अब ये चार्ज नहीं है ये तो आपने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी ठीक है राइट हैंड साइड न्यूट्रल है कोई आपको विजिबल चार्ज नहीं है यहाँ पे विजिबल चार्ज है पॉजिटिव एक तो इसी को न्यूट्रलाइज़ uh, करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ा ठीक है आगे बात समझ पर इसको डायरेक्टली आप लर्न कर लो एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिडक्शन होता है एट कैथोड एम एन इज गोइंग फ्रॉम द प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट टू द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट हैंस इसकी क्या होगी रिडक्शन हो जाएगी अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है विच विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद जेड एंड टू पॉजिटिव टू गिव दिस कॉम्प्लेक्स देखो अब हमारे पास प्रॉब्लम हो गई कि अमोनिया लिबरेट हो रहा है और हमारा है क्लोज आपका कौन सा सेल है तो गैस अगर आपकी लिबरेट होती जाएगी तो कभी ना कभी किसी टाइम पे वो एक्सप्लोड हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगी वो तो इस सॉल्यू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करा कि हमने करा जो आपका अमोनिया होगा ठीक है अमोनिया क्या होगा जिंक के आयंस के साथ रिएक्ट करेगा तभी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जेड एन सी एल टू डाला है सो so दैट हमें एक्स्ट्रा जिंक के आयंस मिले जेड एन टू पॉजिटिव मिले तो अब क्या हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमोनिया जो गैस लिबरेट हो रही थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया जेड एन टू पॉजिटिव के जो आयन है जो अमोनिया है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और वो क्या बनाता है वो एक कॉर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ये होता है जिंक टेट्रा अमोनिया प्लस टू आ जाएगा इसका ठीक है और अमोनिया गैस इज़ ट्रैप ना अब क्या होगा अब ये तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बन गया अमोनिया अब फ्रीली घूम नहीं रही है वो एक्सप्लोर नहीं करेगी वो क्या है वो ट्रैप हो गई इस कॉम्प्लेक्स में ठीक है तो यही यूज़ होता है आपका जेड एनसी टू का ना अब ये बात देखो कि जो हमने सेल पोटेंशियल की बात करी थी ठीक है सेल पोटेंशियल ऑफ द प्राइमरी बैटरीज रिमेंस कांस्टेंट जो 1.5 वोल्ट बात करी थी कि ड्राई सेल की होती है तो क्या होगी वो फ़िक्स क्यों रहती है सेल पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी बैटरीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम देखो जो जो आपकी सेल पोटेंशियल है सेल पोटेंशियल क्या है ई एम एफ ऑफ द सेल तो वो क्या होगी ओवरऑल जो प्राइमरी बैटरीज होती है जितना भी उसकी लाइफ टाइम होती है ओवरऑल उनका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है जैसे कि ड्राई सेल का कितना है 1.5 वोल्ट वो चेंज नहीं होता क्योंकि जो सेल पोटेंशियल है वो कैसे चेंज होता है अगर आपने नर्नस्ट इक्वेशन देखी होगी तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस की वजह से चेंज होते हैं अब क्या है अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस तो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन रहती है जितने पहले डाल दिया उतनी ही रहती है ठीक है ना इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो रिएक्शन हो गई हो गई और खत्म तो इसका मतलब जो सेल पोटेंशियल है वो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा जैसे कि वन वोल्ट फॉर द ड्राई सेल